ओ माय गॉड, मैं क्या करूं इन बालों का। कुछ ना कुछ तो मेरे साथ लगा ही रहता है, कभी हेयर फॉल, कभी डेंड्रफ, कभी ड्राई हेयर्स, कभी ऑयली हेयर। मतलब क्या करूं, आप ही कोई सॉल्यूशन बताइए। हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज मैं आपके साथ आई हूँ बहुत ही ज़्यादा पुराने प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने। आप सभी वीडियोस में देखते होंगे और सभी की वीडियोस में नए नए प्रोडक्ट का रिव्यू, मेरी वीडियो में देखोगे पुराने प्रोडक्ट का रिव्यू, क्योंकि मैं आई ही इतनी लेट हूँ पुराने प्रोडक्ट्स लेकर। क्योंकि मैंने इसको 6 मंथ तक यूज़ कर रही थी ना, अब यूज़ करते करते तो पुराने होंगे ही। जब तक यूज़ नहीं करूँगी तो कैसे रिव्यू दूंगी आपके साथ, एक ट्रूली ऑनेस्ट रिव्यू कैसे दिया जाएगा। सो उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा ना। सो आप वीडियो को पूरा देखना और साथ साथ लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना। हमारे पास जो प्रोडक्ट है, टाइटल से आपको समझ आ ही गया होगा कौन से प्रोडक्ट्स हैं। एल्प्स गुडनेस का है रोजमेरी वाटर, एंड दूसरा है हमारा एल्प्स गुडनेस का फर्मेंटेटेड राइस वाटर। और दोनों ही प्रोडक्ट जो हैं वो क्या क्लेम करते हैं, ये प्रोडक्ट जो बताता है फॉर थिक हेयर के लिए, एंड दिस प्रोडक्ट जो है फॉर लॉन्ग शाइनी हेयर के लिए। वैसे तो आपने बहुत सारी वीडियोस में मतलब देखा होगा जो आजकल राइस वाटर के ऊपर इतना सारा स्किन केयर, हेयर केयर का ट्रेंड जो चल रहा है, क्योंकि ये कोरियन से रिलेटेड जो है आजकल राइस वाटर जो है कितना ज़्यादा फेमस हो चुका है ना, कि मतलब राइस वाटर को हेयर्स पर लगाएं एंड राइस वाटर को फेस पर लगाएं कि हमारे फेस पर शाइन आती है। एंड ये तो स्पेशली फेस एंड हेयर के लिए है। सो मैं आपको दोनों में से बताऊंगी आपको दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी, और साथ में थोड़ा सा इनका बेनिफिट्स भी आपको बता देती हूँ कि दोनों प्रोडक्ट्स हमारे किस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है रोजमेरी वाटर, आप सभी जानते हैं कि रोजमेरी वाटर जो होता है बेसिकली ये थिक हेयर्स के लिए, अगर आपके हेयर्स बहुत ज्यादा पतले हो गए हैं तो आप रोजमेरी वाटर को यूज कर सकते हैं। एंड दूसरा जो रोजमेरी वाटर होता है, अगर आपके हेयर्स में बहुत ज्यादा मतलब डेंड्रफ आ गया है तो भी आप यूज कर सकते हैं। एंड अगर आपकी हेयर ग्रोथ जो है वो कम हो गई है, मतलब न्यू हेयर्स आने जो है वो कम हो गए हैं, तो भी आप रोजमेरी वाटर को यूज कर सकते हैं। एंड जो दूसरा है हमारा फर्मेंटेड राइस वाटर, सो राइस वाटर जो है बेसिकली ये जिनकी ऑयली स्कैल्प हद से ज्यादा होती है ना, मतलब जैसे कोई हेयर वॉश करता है और 2-3 दिन में ही उनके हेयर्स फिर से ज्यादा ऑयली ऑयली हो जाते हैं, जिनकी स्कैल्प ऑयली हो जाती है, तो उनके लिए राइस वाटर परफेक्ट रहता है। एंड ये जो है हमारे हेयर्स को शाइनी बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। सो इसीलिए मैंने दोनों परचेज किए थे। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि दोनों ये प्रोडक्ट जो है क्या सच में ऐसा काम करते हैं, या फिर ये ऐसे ही बना दिए गए हैं हमारे पैसे को वेस्ट करने के लिए। और हाँ, मैंने ये प्रोडक्ट्स इसलिए परचेज किए थे क्योंकि आपको पता है पर्पल पर सेल चलती रहती है, बाय वन गेट वन का ऑफर था, तो 225 का एक प्रोडक्ट है, तो मतलब 225 में मुझे दोनों मिल गए, इसलिए मैंने परचेज कर लिया। तो हमें अपनी मनी को भी थोड़ी ना वेस्ट करना है। चलिए फिर मैं आपको दोनों प्रोडक्ट्स को दिखा भी देती हूँ किस तरह का है, क्या क्या इस प्रोडक्ट पर मेंशन किया हुआ है और आपको कैसे यूज करना है, सभी आपको दिखा देती हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आपको पता चलेगा कि दोनों में से कौन सा परचेज करना चाहिए। सो गाइज, यू कैन सी द प्रोडक्ट एल्प्स गुडनेस रोजमेरी वाटर फॉर थिक हेयर, सिलिकॉन फ्री, सल्फेट फ्री, पैराबिन फ्री, नेट वॉल्यूम हमें इसका 100 ml मिल जाएगा। इज रोजमेरी वाटर गुड फॉर हेयर, रोजमेरी वाटर स्टॉप हेयर फॉल बिकॉज नेचुरल प्रॉपर्टीज फाउंड इन रोजमेरी वाटर दैट बूस्ट हेयर ग्रोथ, और हॉर्मोनल चेंजेस होने की वजह से हमें जो हेयर फॉल होता है उसको भी ये रिड्यूस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। एंड इसका प्राइस ही इतनी दिन में उड़ गया था, मैं चेक कर रही थी, एंड इसमें लॉक सिस्टम भी है जो कि बहुत अच्छा है, एंड वाटर इसकी वाटर जैसी इसकी इसका टेक्सचर है। एंड नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है वो है हमारा राइस फर्मेंटेटेड राइस वाटर फॉर लॉन्ग शाइनी हेयर के लिए, जैसा कि ये प्रोडक्ट जो है वो क्लेम करता है। तो डज फर्मेंटेटेड राइस वाटर गुड फॉर हेयर, द असेंशियल न्यूट्रिएंट्स इज फर्मेंटेटेड राइस वाटर कॉन्ट्रीब्यूट टू ओवरऑल हेयर हेल्थ, दे हेल्प बैलेंस द स्कैल्प्स पीएच लेवल्स, रिड्यूस ऑयलीनेस एंड रिड्यूस हेयर फॉल बाय इंप्रूविंग हेयर इलास्टिसिटी। जैसा कि प्रोडक्ट क्लेम करता है कि ये हमारे हेयर्स के पीएच लेवल को बैलेंस करता है। एंड अगर इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो इसमें सिर्फ फर्मेंटेटेड राइस वाटर तो नहीं है, और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। गाइज, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा इन दोनों प्रोडक्ट्स के साथ। वैसे तो मुझे पहले से मालूम था कि जो फर्मेंटेटेड राइस वाटर होता है वो हमारे हेयर्स की ग्रोथ को तो इंक्रीज नहीं करता है, मतलब ये हमारे हेयर्स के पीएच लेवल को बैलेंस करता है और हमारे हेयर्स को शाइनी बनाता है, एंड लॉन्ग करने में भी हमारे हेयर्स में हेल्प करता है। वैसे मुझे लॉन्ग हेयर से इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। गाइज, मेरी प्रॉब्लम क्या थी कि मैंने इन दोनों प्रोडक्ट्स को परचेज करने का क्यों सोचा था, क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ था, एक तो विंटर टाइम में मुझे हेयर फॉल बहुत ज्यादा होने लग गया था, क्योंकि विंटर में वैसे भी हेयर्स में ड्राइनेस आ ही जाती है,
और मेरे पहले से ही बहुत ज़्यादा ड्राई हेयर हैं, ऑयलिंग में इतना कर नहीं पाई थी। तो क्या हुआ था कि मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, मतलब हद से ज़्यादा बढ़ गया था। मैं साइड में पिक्चर में आपको दिखा भी दूंगी, मैंने कुछ हेयर्स रखे भी हुए हैं। तो क्या हुआ था कि जैसे कि जब मैं ऐसे साइड में अपना हेयर स्टाइल कोई करती थी तो उसमें क्या होता था, यहाँ पर मुझे थोड़ा मतलब ऐसा लगता था कि जैसे यहाँ पर से बाल जो हैं वो उड़ गए हैं, है नहीं है बाल, तो कम होने लग गए हैं बाल। तो इस तरह से जैसे अभी तो फिर भी नॉर्मल लग रहा है, इतना नहीं लग रहा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे साइड में यहाँ पर मुझे लगता था कि मेरे हेयर फॉल है, मतलब यहाँ से मुझे स्किन भी अपनी नज़र आने लगने स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं, कि वैसे तो मैं ऑयलिंग वगैरह करती ही रहती हूँ, बट कई बार लाइफ इतना बिजी हो जाती है, हमें टाइम नहीं मिल पाता, तो उस वजह से क्या होता है कि हम अपने हेयर्स की या किसी भी चीज़ की स्किन की केयर नहीं कर पाते हैं उतना। तो फिर मैंने इनको परचेज करने का सोचा और मैंने देखा दोनों ही हेयर्स के लिए हैं, तो मैंने ऑफर में परचेज किए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है, आपको कौन सा परचेज करना चाहिए। देखिए स्पेशली मैंने आपको बताया मैंने यहाँ पे हेयर फॉल के लिए परचेज किया था, तो हेयर फॉल के लिए तो ये वाला बेस्ट है, बट एकदम से इसने कोई इफेक्ट नहीं किया कि मतलब जैसे मैंने आज लगाया है तो आपको 1 वीक बाद कुछ इफेक्ट लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा था मुझे यूज़ करने से कि मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बट फिर भी मैं रेगुलर करती ही रही इसको यूज़। और ऐसा नहीं है कि मेरा हेयर फॉल नहीं होता है, अभी अभी भी मेरा हेयर फॉल बहुत होता है, मतलब पहले के कंपैरेटिवली जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। ऐसा नहीं है कि आपका बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा, हेयर फॉल होना बंद ही हो जाएगा, इतना भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बट ये है कि जो मैं आपको अपना बता रही हूँ एक्सपीरियंस, कि जो मुझे यहाँ पे लगता था कि मेरी स्किन नज़र आने लगी है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। तो इसलिए मुझे ये रोज़मेरी का वाटर जो है वो ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इसने मेरे इस चीज़ के ऊपर काम किया है। और जो दूसरा अगर हम बात करें कि ये राइस वाटर को भी मैंने कुछ दिन यूज़ किया। सबसे पहला बात तो ना, इसमें फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जिन लोगों को फ्रेगनेंस से प्रॉब्लम है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको फ्रेगनेंस सूट नहीं करती है इतना, तो फ्रेगनेंस अगर जिनको प्रॉब्लम है तो उनके लिए तो ये परफेक्ट नहीं रहने वाला। अगर हम दूसरा बात करें कि जैसा कि इस पर लिखा हुआ है कि ये हमारे स्किन के लिए भी है, तो मैंने इसको स्किन पर तो नहीं यूज़ किया क्योंकि इसमें फ्रेगनेंस इतनी स्ट्रांग थी, तो इतना फ्रेगनेंस वाली चीज़ों को मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन हद से ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है। तो मुझे ये था कहीं ब्रेकआउट वगैरह ना हो जाए, बड़ी मुश्किल से तो थोड़ा सा मतलब पिंपल वगैरह कम हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे डार्क स्पॉट वगैरह है, अभी एक पिंपल आ गया था, तो ये तो चलता ही रहता है चलो, बट फिर भी मैंने इसे स्किन पर यूज़ नहीं किया, हेयर पर यूज़ किया था। जैसे ये हमारे हेयर्स को थोड़ा शाइनी तो करता है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आपका डेंड्रफ रिड्यूस करेगा या फिर आपके हेयर ग्रोथ को इंक्रीज करेगा। मतलब मुझे राइस वाला इतना ज़्यादा हेयर्स के लिए परफेक्ट नहीं लगा, बट अगर आप चाहते हैं कि हमारे हेयर्स पर शाइन रहे उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं इसको। बट ये ऐसा भी नहीं है कि आपके हेयर्स को थिक कर देगा बहुत ज़्यादा। बट अगर आप मतलब दोनों में से कोई एक परचेज करना चाहते हैं तो मैं रोजमेरी वाला ही रिकमेंड करूंगी आपको, क्योंकि और ये है कि अब जैसे मैं आपके साथ 6 मंथ के बाद रिव्यू को शेयर कर रही हूँ, तो मतलब कितना टाइम लगा होगा। और उसमें भी मैंने ये था कि कंटिन्यू तो मैंने नहीं यूज़ किया इसे, क्योंकि मैं खुद भी डेली रूटीन में, मतलब हर किसी की रूटीन ऐसी होती है जो कि कंटिन्यू रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते हैं। सो अगर मैं 6 मंथ रेगुलर इसे यूज़ करती तो अब तक तो बॉटल फिनिश हो जाती है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है, आप लोगों ने मेरी पहले वाली वीडियोज़ देखी होंगी, तो मेरे तो हेयर्स की जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है। तो अगर कि वैसे तो इसको इसमें ऐसा मेंशन किया हुआ है कि हमें स्कैल्पर ही यूज़ करना चाहिए, बट मैं क्या करती हूँ कि इसको हमेशा अपने हेयर्स की लेंथ पर भी यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है, इस तरह से मैं अपने हेयर्स की लेंथ पर भी मतलब पूरा इसको यूज़ कर लेती हूँ, हेयर्स की स्कैल्प पर भी, सभी जगह पर मतलब ऐसे यूज़ कर लेती हूँ। और उसमें ये भी मेंशन किया हुआ है कि आपको ये यूज़ करने के बाद कुछ देर के बाद हेयर वॉश कर लेना है, बट मैं ऐसा कुछ नहीं करती थी कि हेयर वॉश, अब हेयर अगर हम डेली इसको अप्लाई करेंगे तो डेली तो हेयर वॉश करने से रहे, सो मैं तो नाइट टाइम में इसको मतलब स्प्रे करके सो जाती थी अपने हेयर्स पर, और बस ठीक है, नेक्स्ट डे नॉर्मल ही रहता था कुछ भी ऐसा, क्योंकि वाटर है, कोई ये तो है नहीं ऑयल लगाया कि हमारे हेयर्स ऑयली हो जाएंगे। और मैं ये जो दूसरा है हमारा, मतलब दोनों को इकट्ठा कभी भी मत यूज़ करना, 1 वीक इसको कर लो यूज़, राइस वाले को यूज़ कर लो, एंड 1 वीक जो है वो रोजमेरी वाटर को यूज़ कर लो।
वैसे तो मुझे दोनों ही अच्छे लगे हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप किसी दोनों में से कि एक पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप रोजमेरी वाटर का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको भी जैसे बाय वन गेट वन का ऑफर मिलता है तो आप दोनों मतलब परचेज कर लेना, क्योंकि आपको दोनों का पता चल जाएगा। क्योंकि ये यूजफुल जो यूज़ है। करिए, मतलब आप ये मत सोचिए कि हम इसको 1 महीना 2 महीना करेंगे, आप सोचिए कि ये हमारी रूटीन है, हम इसे साल भर के लिए यूज़ करना ही करना है। बस यही था मेरा एक्सपीरियंस। तो आई होप आपको आज का जो मेरा वीडियो है वो पसंद आया होगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करना भी मत भूलना, शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, साइड में बेल आइकन है उस पर भी प्रेस कर दिया करो ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।